नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां पर सांसद वैशाली की सांसद वीणा देवी के पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। धोखाधड़ी के आरोप हैं, जमीन हड़पने के आरोप हैं, और इस मामले में अब कोर्ट में परिवाद भी दायर किया गया है। आपको बता रहे हैं वैशाली सांसद वीणा देवी के बारे में, जिनके पति पूर्व MLC हैं दिनेश सिंह, उन पर ये आरोप लगा है। दिनेश सिंह पूर्व MLC हैं JDU के, और उन पर ये आरोप लगाया गया है। 10 लाख 21 लाख रुपये में जमीन का सौदा हुआ, 10 लाख रुपये दे दिए गए। इसके बाद शेष 11 लाख रुपये देने के लिए कुछ मोहलत मांगी गई, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं दिए गए। तो लगभग 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का जो है ये आरोप लगाया गया है। पूर्व MLC दिनेश सिंह और उनके एक और सहयोगी हैं सत्येंद्र प्रसाद, इन दोनों के ऊपर आरोप लगाया गया है। परिवाद में जो कुछ कहा गया है हम आपको बताते हैं। पूर्व MLC और सत्येंद्र प्रसाद ने 1 कट्ठा जमीन का सौदा उनसे 21 लाख में 2013 में किया था। परिवादी ने 3 बार में अग्रिम राशि के तौर पर 10 लाख रुपये दे दिया। इसके बाद शेष 11 लाख रुपये देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। फिर परिवादी ने रुपये लेकर जमीन रजिस्ट्री करने की बात कही, लेकिन वे लोग टालते रहे। तो अब जो वकील हैं उनके जरिए, वकील कमलेश कुमार हैं, उनके जरिए परिवाद दायर किया गया है कोर्ट में, मुजफ्फरपुर के कोर्ट में। इससे पहले अधिवक्ता के जरिए नोटिस भी भेजी गई, लेकिन न तो रुपये लौटाए गए और न ही जमीन की रजिस्ट्री की गई। इसके बाद संजीव राजन ने, जो परिवादी हैं, जो पीड़ित हैं, जो संजीव कुमार राजन, वो सदर थाना के पताही के रहने वाले हैं, उन्होंने वकील के जरिए परिवाद दर्ज करवाया है। और अधिवक्ता ने कहा है कि कोर्ट ने 7 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की है। तो इस मामले में अब 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो सांसद जो हैं, वैशाली की सांसद वीणा देवी LJP की सांसद हैं, पारस गुट की सांसद हैं। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में मंत्री हैं उनके गुट में वो शामिल हैं। फिलहाल अभी LJP के अंदर लड़ाई चल रही है, देखा जाए तो चाचा भतीजे के बीच में, पार्टी पर वर्चस्व को लेकर, पार्टी पर अधिकार को लेकर। तो इस बीच जो वैशाली की सांसद वीणा देवी बुरी फंसी हैं, पति पर 400 BC का आरोप लगा है, धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जमीन हड़पने का आरोप लगा है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है, कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, और 7 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होनी है। तो आपको बताएं कि पूर्व MLC से जब इस संबंध में संपर्क साधा गया, उनसे पूछा गया, तो उनका कहना है कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, परिवादी को वो जानते भी नहीं हैं। सीधे सीधे उन्होंने नकार दिया है और कह दिया कि परिवादी को वो जानते नहीं हैं, परिवाद दर्ज होने की भी जानकारी उन्हें नहीं है। ये बात कहते नजर आ रहे हैं, किसी दलाल ने रुपये लिए होंगे इसका उन्हें पता नहीं है। और ये साथ ही कहा है कि कोर्ट से अगर नोटिस आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। यानी जो MLC हैं दिनेश सिंह, जो सांसद के पति हैं वीणा देवी के, वैशाली की सांसद हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उस परिवादी को वो जानते भी नहीं हैं, और कोर्ट से अगर कोई नोटिस आएगी तो उसका वो जवाब देंगे। ये बातें कहते हुए उन्होंने तमाम मामले से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि सांसद क्या करेंगी, वैशाली की सांसद वीणा देवी, उनके पति पर 400 BC का आरोप लगा है, धोखाधड़ी का आरोप है, जमीन हड़पने का आरोप है। तो अब देखते हैं आगे होता है क्या, पर अब कोर्ट में 7 तारीख तक का इंतजार करना होगा। 7 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।